हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। वैसे तो भारत के हर राज्य की अपनी अलग पहचान, संस्कृति और परंपरा होती है, लेकिन हमारे देश में एक ऐसा राज्य भी है जिस राज्य के भीतर आपको कई सारी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी, और इस समय पर इसे भारत का सबसे खतरनाक राज्य भी कहा जाता है। जी हाँ, यहाँ के बाजारों में क्या क्या बिकता है ये देखकर तो भाई आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। लेकिन आज के समय में ये राज्य पर्यटकों के बीच में काफी लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि प्रकृति की गोद में बसा ये राज्य अपने खूबसूरत पहाड़ों, शानदार नजारों, हरे भरे जंगलों और अपनी संस्कृति के लिए अलग ही पहचान बना चुका है। ये भारत के पूर्वोत्तर के अंतिम छोर पर बसा हुआ एक राज्य है जो सेवन सिस्टर्स में से एक है, और इसे पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर के खूबसूरत राज्य नागालैंड की। तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं खूबसूरत नागालैंड के सफर पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारत के एक राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। इससे पहले नागालैंड को नागा हिल्स त्विंग सांग के नाम से जाना जाता था, लेकिन सन 1961 में इसका नाम बदलकर नागालैंड कर दिया गया। कोहिमा नागालैंड की राजधानी और कमर्शियल सिटी है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पर 64 दिनों तक युद्ध चला था, और इस युद्ध में मरने वालों के लिए यहाँ पर बड़ा कब्रिस्तान भी बना हुआ है। दोस्तों, नागा का मतलब होता है हिल मैन, यानी कि पहाड़ों पर रहने वाले लोग, क्योंकि यहाँ पर हर तरफ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ देखने को मिलेंगे, और लोग पहाड़ों के बीच में ही घर और बस्तियां बनाकर रहते हैं, यानी कि पहाड़ यहाँ के लोगों के समाज और फैमिली में शामिल है, इसीलिए इसे नागालैंड का नाम दिया गया। नागालैंड की जनसंख्या 23 लाख के आसपास है, जो कि भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले काफी कम है। वहीं नागालैंड के टोटल एरिया में से लगभग 25% हिस्सा सिर्फ जंगलों और हरे भरे पेड़ों ने घेर रखा है, और इस राज्य की सुंदरता को बढ़ाने का काम करते हैं। दोस्तों, नागालैंड की GDP 4.2 बिलियन डॉलर्स के आसपास है, जो इसे भारत के सबसे कम GDP वाले राज्यों में शामिल करती है। GDP कम होने की वजह से यहाँ की जनसंख्या भी कम है। आपको बता दें कि नागालैंड में 100 से भी ज्यादा जनजातियों के लोग रहते हैं, और हर जनजाति की अपनी अलग पहचान है, अलग भाषा है, वेशभूषा भी अलग है, संस्कृति और नृत्य सब कुछ अलग है। नागालैंड में जितनी विविधता आपको देखने को मिलेगी ना, उतनी तो भारत के किसी अन्य राज्य में भी नहीं देखी जा सकती है ना। सही कहा ना मैंने। नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ 15 से भी ज्यादा भाषाएं आम बोलचाल में इस्तेमाल की जाती हैं। कई जनजातियों की भाषा का कोई नाम नहीं है, और वो बिना शब्दों के ही कम्युनिकेट करते हैं। AO आओ नागालैंड की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। राज्य के ज्यादातर लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। चावल, मक्का, अन्न, दालें, गेहूं यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। नागालैंड में एक लाल मिर्च की खेती की जाती है, जिसका नाम भूत जोलो किया है। इसे दुनिया की सबसे तीखी मिर्च माना जाता है, और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इस मिर्च का छोटा सा भी टुकड़ा खाने के बाद ना, आपके मुंह में आग लग जाएगी और काफी देर तक आपका मुंह जलता रहेगा। दोस्तों, नागालैंड के लोग बहुत खुशहाल माने जाते हैं, और शांति के साथ अपनी जिंदगी बिताने में विश्वास रखते हैं। यहाँ पर लोग अपने दिमाग में फालतू की टेंशन नहीं पालते हैं। जी हाँ, हालांकि नागालैंड के लोग अंधविश्वास में बहुत ज्यादा यकीन करते हैं। यहाँ पर लोग सपनों के जरिए भविष्य देखने का दावा करते हैं। अगर किसी लड़के और लड़की के बीच रिश्ता पक्का हो जाए, लेकिन शादी से पहले ही महिला या पुरुष को कोई खतरनाक सपना आ जाए, तो उस शादी को तोड़ दिया जाता है। जी हाँ, नागालैंड के लोगों की वेशभूषा भी काफी अलग होती है। पहले के समय में लोग यहाँ पर चमड़े के बने हुए कपड़े पहना करते थे, जैसे जानवर की खाल से अपने शरीर को ढकते थे, और हड्डियों से बनी माला पहना करते थे। हालांकि इस प्रकार की माला पहनावे का रिवाज अब भी कुछ जनजातियों के बीच में है। वैसे अब नागालैंड में लोग एक रंग बिरंगे कपड़े को अपने ऊपर लपेटते हैं, और उसे ही अपनी पारंपरिक पोशाक मानते हैं। यहाँ पर लोग अपने पैरों में बड़े बड़े कड़े पहनते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि इन कड़ों की मदद से लोगों को पेड़ों पर चढ़ने में आसानी होती है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि आदिवासी समुदाय ज्यादा होने के कारण नागालैंड में शिक्षा को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नागालैंड की लिटरेसी रेट लगभग 90% है। जी हाँ, यहाँ के आदिवासी लोग अपने बच्चों को स्कूल में जरूर भेजते हैं। सीधी बात, माना जाता है कि नागालैंड में आज भी ऐसी कई जनजातियाँ हैं जो कि नरभक्षी हैं, और वहाँ आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि नागालैंड में जाने के लिए भारतीयों को भी इनर लाइन परमिट लेना होता है, और यहाँ पर कोई भी बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता, और इस राज्य में पटाखों
पर तो भाई पूरी तरह से बैन लगा हुआ है, क्योंकि पटाखों से पर्यावरण और प्रकृति का तो नुकसान होता ही होता है। साथ ही कई जनजातियों के लोगों को तो ये लगता है कि उनके ऊपर कोई बाहरी लोग हमला कर रहे हैं। जी हाँ, इसीलिए वो कभी कभार आक्रामक रवैया अपनाते हैं। यहाँ पर विस्की, रम और बियर के अलावा अन्य प्रकार की भी शराब पर बैन लगा हुआ है। नागालैंड का सबसे बड़ा शहर दीमापुर है, जिसे गेटवे ऑफ नागालैंड भी कहा जाता है। भारत के अन्य राज्यों में नागालैंड पहुंचने के लिए सबसे पहले दीमापुर ही आना पड़ता है। पूरे राज्य का एकमात्र एयरपोर्ट भी दीमापुर में ही बना हुआ है। साथ ही साथ यहां तक पहुंचने के लिए रेल या सड़क मार्ग की भी बेहतरीन सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों, दीमापुर की मंडी की चर्चा न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में की जाती है। दोस्तों, यहां के बाजारों में जो नजारा आपको देखने को मिलेगा ना, उसे देखकर यकीनन आप दंग रह जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप भारत के ही किसी राज्य में हो। जी हाँ, चूंकि नागालैंड में ज्यादातर लोग मांसाहारी हैं, इसलिए यहाँ के बाजारों में कुत्ते से लेकर सुअर तक सभी जानवरों का मांस बिकता है। नागालैंड के लोग कुत्तों का मांस तो भाई बड़े चाव से खाते हैं। इसके अलावा यहाँ मंडियों में मेंढकों को टब में रखकर बेचा जाता है। इसके अलावा घोंघे, चूहे, बतख, केकड़े, कबूतर, खरगोश, सीप और न जाने कितने ही जानवरों को यहाँ पर मंडियों में बेचा जाता है। इसके अलावा कई अन्य कीड़े मकोड़े खाना भी यहाँ के लोगों को भाई बहुत ही पसंद है। इस मंडी के दूसरे छोर पर फल और सब्जियों का मार्केट लगता है। पता नहीं ये सब चीजें देखने के बाद कैसे कोई फल और सब्जियां खरीद पाता होगा। लेकिन नागालैंड के लोग फल और सब्जियां खाना कम ही पसंद करते हैं, शायद इसीलिए इसे किसी दूसरे छोर पर लगाया जाता है। दोस्तों, नागालैंड के लगभग 85% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। वहीं हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी यहां रहते हैं। यहां पर आपको कई चर्च और मॉनेस्ट्री देखने को मिलेंगे। वहीं नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट सोरामती है, जो कि समुद्र तट से 3,840 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा से लगभग 390 मीटर की दूरी पर स्थित लोंगवा नाम का एक गांव है, जो कि म्यांमार के बॉर्डर पर बसा हुआ है। इस गांव में लोग किसी भी प्रकार की सीमा रेखा को नहीं मानते हैं और आसानी से लोग यहां से म्यांमार में प्रवेश कर सकते हैं। लोंगवा के मुखिया के घर के बीच से बॉर्डर जाता है, जो भारत और म्यांमार को अलग करता है। मजे की बात तो यह है दोस्तों कि कई लोगों के पास यहां पर दो दो देशों की नागरिकता भी है। आज के समय में लोंगवा में लगभग 5,200 लोग रहते हैं। लोंगवा के नजदीक ही कोयंक जनजाति के लोग रहते हैं, जो पूरे नागालैंड में सबसे खतरनाक जनजाति मानी जाती है। इस जनजाति की परंपराएं बिल्कुल अलग है। एक समय पर यहाँ पर लोग पड़ोसी कबीलों में जाकर लोगों की हत्या करते थे और उनकी खोपड़ी लाकर अपने गांव में खुले आसमान के नीचे लटका दिया करते थे। जो सबसे ज्यादा खोपड़ियां इकट्ठी करता था, उसे कबीले का सरदार नियुक्त कर दिया जाता था और पूरे कबीले की सबसे सुंदर लड़की के साथ उसका विवाह करा दिया जाता था। लेकिन अब इस परंपरा पर सरकार ने रोक लगा दी है। नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से भी जाना जाता है। आप साल में किसी भी समय इस राज्य में जाएं, आपको लोग किसी न किसी प्रकार के उत्सव को मनाते हुए नजर आ जाएंगे। उनमें से हॉर्नबिल फेस्टिवल इस राज्य का सबसे प्रमुख और बड़ा त्योहार माना जाता है। ये फेस्टिवल हर साल 1 से 10 दिसंबर तक चलता है। इसमें लोग जमकर मौज मस्ती करते हैं, जी हाँ, और लाजवाब ट्राइबल फूड्स का लुत्फ उठाते हैं। ट्राइबल पकवानों में सबसे ज्यादा खाए जाने वाले पकवानों में अखुनी, सूखे बांस के स्प्राउट और पोक आदि शामिल है। इस त्योहार में लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहनते हैं और मिलकर जमकर नृत्य करते हैं। चावल से बनाई जाने वाली खास देशी शराब भी इस फेस्टिवल के दौरान खूब पी जाती है। हॉर्नबिल के अलावा टुलुनी फेस्टिवल, यमशी फेस्टिवल, सेक्रेनी फेस्टिवल भी नागालैंड के प्रमुख त्योहारों में से एक है। चलिए अब आपको नागालैंड में घूमने लायक मनमोहक जगहों के बारे में भी बता देते हैं। वैसे तो ये पूरा राज्य ही आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। हर मोड़ पर हर नया दृश्य आपको देखने को मिल जाएगा। हर चोटी से प्रकृति का खूबसूरत नजारों का आप लुत्फ उठा सकते हैं। अगर आप रंग बिरंगे फूल देखना चाहते हैं, तो आपको जूको की घाटी की सैर अवश्य करनी चाहिए। इस वैली में जहां तक आपकी नजर जाएगी ना, वहां तक खूबसूरत फूल ही फूल आपको नजर आएंगे। इसके अलावा मोकोकचुंग नागालैंड के सबसे पुराने गांवों में से एक है और ट्रैकिंग के शौकीन लोगों के लिए चपकू चोटी मुख्य आकर्षण का बिंदु है। ये नागालैंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और इस चोटी के कारण ही नागालैंड को पूर्वोत्तर का स्विट्जरलैंड का नाम दिया गया है। इसके अलावा नटांकी नेशनल पार्क, फैकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रंगा पहाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे उद्यानों में आप जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं। वैसे तो पूरे साल ही नागालैंड का मौसम बेहद सुहावना रहता है, लेकिन बरसात के दौरान इस राज्य की सुंदरता आए हाय हाय देखने लायक होती है। दोस्तों, नागालैंड घूमने के लिए मई से सितंबर तक का समय सबसे अच्छा माना जाता है। यहाँ पर ज्यादा गर्मी न होने के कारण बड़ी संख्या में टूरिस्ट सुकून के पल बिताने आते हैं। अगर आप प्रकृति को नजदीक से देखना चाहते हैं और आप अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ समय अपनों के साथ बिताना चाहते हैं, तो यार नागालैंड आपके लिए बहुत ही फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। नागालैंड को जब से पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है ना, तब से लेकर 2012 तक यहाँ कोई भी महिला विधायक नहीं थी, क्योंकि
नागालैंड में ज्यादातर आदिवासी समुदाय के लोग ही रहते हैं, जिनमें महिलाओं को घर से बाहर निकलना या फिर चुनाव आदि प्रक्रियाओं में शामिल होना गलत माना जाता है। हालांकि इसी साल एस फैंगनोन कोनिया को नागालैंड की पहली महिला सांसद होने का गौरव प्राप्त हुआ। इन सब बातों से साफ है कि अब धीरे धीरे नागालैंड के लोगों के सोचने का तौर तरीका बदल रहा है और महिलाएं भी समाज निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। नागालैंड का स्टेट एनिमल गयाल है और सफेद मुंह वाले किंगफिशर को यहां का स्टेट बर्ड का दर्जा प्राप्त है। नागालैंड में कोयला, चूना, लोहा, निकल, कोबाल्ट और संगमरमर आदि खनिजों और पदार्थों की माइनिंग भी मौजूद है। तो दोस्तों, ये था नॉर्थ ईस्ट का शानदार राज्य नागालैंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अब आप में से कोई अगर नागालैंड से है तो हमें जरूर बताइए, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की वीडियो में आपको नागालैंड की कौन कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। वैसे क्या कभी आप नागालैंड गए हैं, और गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ।